हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए। तो हाल ही में इसको आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो बस आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, तो उसे ज़रूर दीजिएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स सम्मेलन होता क्या है। तो देखिए, बात करेंगे इसके बारे में। पहले तो ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त रूप है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह का संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले सिर्फ ब्रिक्स ही थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा, इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए, ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़ी विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, और फोरम की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच में प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है। तो देखिए, अगर पहले साल में ब्रिक्स में ब्राज़ील कर रहा है तो अगले साल रूस करता है इसकी अध्यक्षता, और तीसरे साल फिर भारत करता है, फिर चीन और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से ये लाइन बाई ही लाइन चलता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2014 में फोर्टालेजा, ब्राज़ील के छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई, चीन में है, उसकी स्थापना के समझौते पर अक्षर किए थे। अब आपका आता है एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को इस बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में इसको आयोजन इसका किया गया था। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसका ये 15वां संस्करण था। इसका आयोजन 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स अनुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। 2023 की थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरिज्म। तो ये इसका यहाँ पर थीम था। हिंदी में देख लीजिए, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ब्रिक्स समूह की स्थापना की गई थी वर्ष 2006 में। तो मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था। तो देखिए, पहले सिर्फ ब्रिक्स था। मैंने आपको बताया कि 2010 में साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देख लीजिए, वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो ब्रिक्स में वर्तमान में टोटल हैं 5 देश। तो जैसे नाम है ब्रिक्स, है ना, तो यही 5 देश इसमें शामिल हैं। तो बात करेंगे देशों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इसे बहुत इजीली सिर्फ ब्रिक्स के नाम से ही याद कर सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक चाहिए तो मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक भी बता रही हूँ। देखिए, रूबी चल साउथ अफ्रीका, ये इसका छोटा सा ट्रिक है। तो यहाँ पे RU हो गया रशिया, B से आ जाता है ब्राज़ील, I से आ जाता है इंडिया, C से आ जाता है चाइना, और साउथ अफ्रीका तो वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको भी याद रखें। ओके, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर 2024 में कुल 6 नए देशों को जोड़ा गया है ब्रिक्स समूह में। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देशों के नाम क्या हैं, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये कुछ नए देश हैं जो शामिल हो रहे हैं ब्रिक्स में। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है शंघाई चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो ब्रिक्स के देशों ने मिल करके एक नया बैंक को यहाँ पर स्थापित किया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। बात करेंगे इसके बारे में अभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बात करें स्थापना की तो 15 जुलाई 2014 में इसको स्थापित किया गया। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है और प्रमुख हैं इसके डिल्मा रूसेफ। तो देखिए ब्रिक्स और NDB दोनों का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार दिए हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दिए हैं बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंद पेंटिंग, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बात करेंगे इसके डिटेल में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की है। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंद पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को भेंट की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के शेरपा के रूप में यहाँ पर दम्मू रवि को नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दम्मू रवि विदेश मंत्रालय के आर्थिक सचिव हैं। शेरपा सरकार या राज्य के प्रमुख या प्रतिनिधि होता है जो G20 ब्रिक्स और अन्य वैश्विक शिखर सम्मेलनों की तैयारी देखता है। ठीक है, तो ये तैयारी देखते हैं इन शिखर सम्मेलनों की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसको आयोजित किया गया था 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए ब्रिक्स समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर रही हूँ, www.ravibookspdf.com। तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स और GK की PDF बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। राइट, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितने बार की है? तो भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कुल 3 बार की है। तो कब कब की है इसके बारे में अभी देखते हैं। तो देखिए भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहली बार इन्होंने 2012 में की थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बार 2016 में अध्यक्षता इसकी नरेंद्र मोदी ने की थी, उस टाइम पर वो हमारे प्रधानमंत्री थे। और तीसरी बार 2021 में वर्चुअल मोड से अध्यक्षता की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये कुल 3 बार है जिसमें भारत के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो आपसे पिछले साल का पूछा जा रहा है। तो पिछले साल जो है ये किया गया था चीन के द्वारा। फ्रेंड्स काफ़ी ईजी है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए, आपको ये पता है कि इस साल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में करवाई गई थी। पिछले साल ये किस देश में हुई थी? ये चाइना में हुई थी। अगले साल ये किस देश में होगी? ये होगी ब्राज़ील में। भाई लाइन ये चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को लॉन्च करने की घोषणा भारत ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स नेताओं ने कहाँ पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक NDB की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे फोर्टालेजा ब्राज़ील में 2014 में। ओके, तो बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फोर्टालेजा 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है? तो यहाँ पर कौन सा इसे वर्णित करता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा? तो ये गढ़ा गया था बाय जिम ओ नील। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिक्स शब्द गढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान जिम ओ नील का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो वो एक अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था? तो देखिए इजी है बहुत, ब्रिक था अब ब्रिक्स हो गया, यहाँ पर एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसमें नया देश जुड़ गया था 2010 में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूरी सूची को, कहाँ कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था जब से ये स्थापित किया गया है। तो देखिए, पहला ब्रिक्स सम्मेलन को रूस में 2009 में करवाया गया था, दूसरा 2010 में ब्राज़ील में, तीसरा हुआ था चीन में और चौथा यहाँ पर भारत में हुआ था, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। पांचवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसके बाद आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ से जब 2014 से जो है इसे एक लाइन से ही करवाया जा रहा है, ठीक है, ब्रिक्स। अभी यह ब्राज़ील में हुआ, अब आप देखेंगे अगले स्लाइड में। नेक्स्ट ये हो रहा है रूस में, ठीक है, थर्ड ये हो रहा है भारत में, फोर्थ ये हो रहा है चाइना में, और ये फिफ्थ यहाँ पर हुआ है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बस लाइन बाय लाइन चल रहा है, बस आपको ये याद रखना है कि 2014 में कब कहाँ हुआ है, ये हुआ है ब्राज़ील में, राइट। इसके बाद आपको देख सकते हैं ये सिर्फ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। और 2023 में कहाँ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 2024 में कहाँ पे होगा? ये होगा ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, ये है एक छोटा सा इसको तरीका याद रखने का। फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से। तो हमने आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने आपको इतने बार बता दिया, अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे? तो ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे 2024 में, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ मैं बता दूँ कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट पेड PDFs मिल जाएंगी। तो अगर आप बाय करना चाहें तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।